रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन थी हमने अपने वेब सर्वर पर कंप्लीट की, और अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक पीएचपी स्क्रिप्ट की मदद से अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के कंटेंट्स को अपने नॉर्मल ईमेल एड्रेस में फॉरवर्ड कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें एक पीएचपी स्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी इसके लिए, और खुशकिस्मती से इंटरनेट की दुनिया में बहुत सी चीज़ें आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, और मैंने भी एक ऐसी वेबसाइट सर्च की है व्यूअर्स जिसमें आपको वो आपको पीएचपी स्क्रिप्ट मिल जाएगा जिसकी मदद से आप एक फॉर्म जो है वो बिना किसी मेहनत के क्रिएट करेंगे और उसे फॉरवर्ड भी करने के काबिल होंगे अपने ईमेल एड्रेस के अंदर। बेसिकली आपका जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, उसमें फुल नेम आपका, आपका व्यूअर अपना ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और मैसेज को इंसर्ट करेगा, और सबमिट फॉर्म का बटन व्यूअर्स उसके ऊपर होगा। बेसिकली हमें क्या करना है व्यूअर्स, हमें डाउनलोड करना है इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को, और व्यूअर्स इसको डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड फ्री कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्लिक करेंगे। व्यूअर्स बेसिकली ये फॉर्म मुझे अवेलेबल है, मुझे ये कहाँ से मिला है, www.freecontactform.com में free.php के पेज के ऊपर मुझे ये फॉर्म मिला है, और मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है। व्यूअर्स जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे तो बेसिकली आपके पास चंद एक फाइल्स जो हैं वो आपको उस फोल्डर में नजर आएंगी जहां पे आप इसे डाउनलोड करेंगे। बेसिकली ये कुल मिला के आपके पास 8 के करीब फाइल हैं, उसमें से व्यूअर्स एक फाइल तो है आपकी कॉन्टैक्ट फॉर्म की, और मैं इसे डबल क्लिक करके देखता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या है। बेसिकली ये सिंपल एक HTML फाइल है जो कि आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म के तौर पर काम आएगी, यानी आपका जो विजिटर है उसको ये पेज कुछ इस तरह से नजर आएगा। व्यूअर्स इसके अलावा आपको इसमें नज़र आएगा एक और पेज जो कि आपका HTML पेज है, थैंक यू पेज। थैंक यू पेज से क्या मुराद है व्यूअर्स, जब आपका विजिटर इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर देगा और सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली वेब सर्वर की तरफ से उसे एक जो है वो मैसेज जाना चाहिए, एक पॉजिटिव पैगाम जाना चाहिए कि आपकी ईमेल जो है या आपका कॉन्टैक्ट जो है या आपके सजेशन रिसीव कर ली गई है, शुक्रिया, कुछ इसी किस्म का मैसेज उसे मिलना चाहिए। तो उसके लिए व्यूअर्स बेसिकली एक थैंक यू डॉट HTML के नाम से जो है वो पेज बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज, थैंक यू। अगर आप चाहें तो व्यूअर्स इस पेज के कॉन्टेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं अपनी पसंद से, अपनी मर्जी के मुताबिक। और व्यूअर्स इसके अलावा हमें इसमें PHP की दो फाइलें, lightstyle.css केस के दिन स्टाइल शीट की एक फाइल है, और व्यूअर्स एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइट वैलिडेशन के नाम से एक फाइल है। व्यूअर्स हमें करना यह है कि हमें इन तमाम फाइलों को कॉपी करके अपनी वेबसाइट के मेन फोल्डर में कॉपी कर देना है। ड्रीम व्यूअर में हमने जिस फोल्डर में अपनी वेबसाइट डिक्लेयर की हुई है, डिफाइन की हुई है, हमने उस फोल्डर में व्यूअर्स उसको कॉपी कर देना है, और मैं अपनी वेबसाइट में ऑलरेडी इसको कॉपी कर चुका हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें वहाँ जाके इसमें क्या चेंजेस करनी है। व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन है, मेरी वेब फोल्डर ओपन है, और यहाँ पे वो तमाम फाइलें आपको नज़र आ रही हैं, कॉन्टैक्ट मी और लाइट प्रोसेस डॉट पी एच पी लाइट सेटिंग। व्यूअर्स हमें इसमें जो चेंजेस करनी है वो बेसिकली लाइट सेटिंग डॉट पी एच पी में करनी है, और व्यूअर्स मैं यहाँ पे चेंजिंग क्या करूँगा, बेसिकली ये एक स्क्रिप्ट फाइल है और मुझे यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस इंसर्ट करना है जो कि मैंने अभी अपने वेब ईमेल पे क्रिएट किया है। व्यूअर्स यहाँ पे मैं वो ईमेल एड्रेस क्रिएट करूँगा, दोबारा से मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में अपना वेब ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, क्योंकि ये एक जो है वो सैम्पल स्क्रिप्ट है जिसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाने के लिए। जी व्यूअर्स ये पेज ओपन हो चुका है, लेकिन हमें इसे डिज़ाइन व्यू में काम नहीं करना बल्कि हमें इसके कोड व्यू में काम करना है, तो मैं कोड के बटन को सिलेक्ट करता हूँ। तो व्यूअर्स देखिए बेसिकली यहाँ पे आपका वो ईमेल एड्रेस आएगा जो कि आपने अपने वेब ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है, यानी मैंने अभी जो अपना एड्रेस क्रिएट किया है वो है admin@getyourbookforfree.com। व्यूअर्स बस मुझे इतना सा ही काम करना था। दूसरी चीज़ जो व्यूअर यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म मैसेज, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म मैसेज बेसिकली ये वो टाइटल होगा, जब आपके ईमेल एड्रेस में ईमेल आएगी तो उसका टाइटल जो होगा वो कॉन्टैक्ट फॉर्म मैसेज होगा, और ये थैंक यू बेसिकली व्यूअर्स आपने उस पेज का लिंक यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि जब आपका विजिटर सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा तो कौन सा पेज जो है वो ओपन होना चाहिए, वो थैंक यू पेज ओपन होना चाहिए जो कि हम पहले देख चुके हैं।
व्यूअर्स, हमें सिर्फ इसमें इतना सा ही काम करना है और इसके बाद इसे सेव कर देना है। व्यूअर उस फॉर्म को सेव कर लेने के बाद आपको अपनी वो तमाम फाइल्स जो अभी आपने डाउनलोड की हैं उस फॉर्म के साथ, वो तमाम फाइल्स भी अपने वेब सर्वर पर अपलोड करने हैं। जब आप बाकी की अपनी फाइल्स को अपलोड करेंगे तो साथ साथ आपको वो तमाम फाइल्स भी अपलोड कर देनी है। और व्यूअर्स इस वक्त मैंने वही कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन किया हुआ है अपने वेब के ज़रिए, यानी इस वक्त मैं प्रीव्यू नहीं कर रहा हूँ अपने वेब पेज का, बल्कि ये ब्राउज़र के अंदर मैंने अपनी वेब पे, मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट्स जो है वो इंसर्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ये एज इट इज़ फॉरवर्ड होते हैं मेरे जीमेल अकाउंट में या नहीं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस, और भी बस यहाँ पे मैं अपने कमेंट्स जो है वो इंसर्ट करता हूँ। सॉरी, मैं अपना टेलीफोन नंबर में मैं अपना जो है वो ईमेल एड्रेस टाइप कर बैठा हूँ, और यहाँ पे व्यूवर्स मुझे अपना टेलीफोन नंबर इंसर्ट करना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यानी 0333 और यहाँ पे व्यूवर्स मैं वो कमेंट्स इंसर्ट करता हूँ, और मैं सैंपल लिखता हूँ इसमें सैंपल कमेंट्स। और व्यूवर्स मैं ऐसे सबमिट कर देता हूँ इसके बाद। देखिए व्यूवर्स, जो ही मैंने सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक किया, मेरे पास वो पेज अपीयर हो रहा है जो कि थैंक यू पेज है, जो विजिटर को उस वक्त नजर आएगा जब वो अपने फॉर्म को सबमिट करेगा। और व्यूवर्स अब मुझे चेक ये करना है ईमेल एड्रेस में, मेरे जीमेल इनबॉक्स में ये तमाम कमेंट्स जो है, ये ईमेल जो है फॉरवर्ड हो चुकी है या नहीं, और उसके लिए इनबॉक्स को चेक करता हूँ। और व्यूवर्स देखिए, इस वक्त मेरा जीमेल इनबॉक्स ओपन है और यहाँ पे मुझे ईमेल नज़र आ रही है अवैस रजा की तरफ से, और मैं देखता हूँ क्या कि इसमें। और व्यूवर्स ये ईमेल ओपन हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मैंने वहाँ पे फॉर्म में इंसर्ट की थी, नेम अवैस सैंपल कमेंट्स आई लाइक योर साइट। तो व्यूवर्स देखिए, ये इस कदर आसान प्रोसेस था, एक सैंपल PHP स्क्रिप्ट की मदद से हमने इसको पॉसिबल बनाया, अदरवाइज व्यूवर्स आपके लिए ज़रूरी था कि आप इस